हे फ्रेंड्स, तो काफ़ी क्विक अपडेट में बात करेंगे काफ़ी बड़ी सैड न्यूज़ के बारे में, जो कि सलमान खान के कैमियो से रिलेटेड है, यानी कि उनके चुलबुल पांडे के अवतार से रिलेटेड। जो डेफिनेटली बात आपको पता ही होगी कि उनका कैमियो हम सिंघम अगेन फिल्म में देखने वाले थे। जी हाँ, ये बात ऑफिशियली कन्फर्म की गई थी कि हम सलमान खान के चुलबुल पांडे के कैरेक्टर को सिंघम अगेन फिल्म के एंड में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में कहीं ना कहीं कैमियो करता हुआ कहीं ना कहीं देखने वाले थे। लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन कैसी थी फिलहाल तो उस बात की कोई भी श्योरिटी नहीं दी गई थी। लेकिन छोटे मोटे हिंट की बात करें तो रोहित शेट्टी ने ट्रेलर में वो गाड़ी वाला जो सीन डाला था उस पर उन्होंने अच्छा खासा पोस्ट भी शेयर करते हुए यही बात कंफर्म की, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उनके माध्यम से कंफर्म की थी। जिसके बाद फैंस के दिमाग के घोड़े दौड़ने लग गए थे और उन्होंने सलमान खान के चुलबुल पांडे के फिल्म के ट्रेलर में हर जगह ढूंढने की कोशिश की। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि कोशिश पूरी तरीके से कोशिश ही रह जाएगी, जिसमें बॉलीवुड हंगामा के साथ साथ पिंक विला वालों की तरफ से भी कंफर्मेशन निकल कर आ गई है। ऑब्वियसली इसी बात को लेकर के जिस तरीके की सिचुएशन सलमान खान की लाइफ में अभी चल रही है, उस हिसाब से रोहित शेट्टी और अजय देवगन ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो लोग सलमान खान को कैमियो के के लिए बिल्कुल भी अप्रोच ना करते हुए अभी के लिए तो उन्हें सलमान खान की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उससे मूव ऑन करने वाली जो सिचुएशन होती है ना, बिल्कुल उसी में जाने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि अगर डेट की बात की जाए तो 14 अक्टूबर का वो दिन था जिस दिन इस फिल्म के एक ही टाइम पर शूट कर सलमान खान के कैमियो को कंप्लीट किया जा सकता था। लेकिन इसी के साथ साथ वो कहते ना कि काफी छोटी मोटी सी होप सलमान खान तो नहीं लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन के नाम पर बैकग्राउंड में BGM या फिर कह लो दूर से उनके शॉट को दिखा करके कहीं ना कहीं ये बात कंफर्म की जाएगी। यानी पूरी तरीके से सलमान खान को फीचर तो नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ी बहुत उम्मीद बस इस आर्टिकल को पढ़ करके नजर आती है, जिसमें अब तो मैं कहूंगा कि आप पूरी तरीके से उस उम्मीद को साइड में रखकर जाओ, जाकर फिल्म एंजॉय करो। यही मुझे लगता है कि मेकर्स क्या हम एंटरटेनमेंट ऑडियंस के लिए डेफिनेटली एक सोर्स बन जाता है, जिसके चलते फिल्म के ट्रेलर की काफी लेंथी सी प्रेजेंटेशन ने अपनी फिल्म की कहानी भले से ही क्यों ना बताई हो, लेकिन फिर भी ट्रेलर एक अच्छा खासा सा माहौल बना देता है कि थिएटर में ये फिल्म हमें काफी ज्यादा चेयरिंग मोमेंट भी देगी। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि रोहित शेट्टी की उस पर प्रेजेंटेशन है कैसी, क्योंकि आफ्टर ऑल यही चीजें मैटर करती है। लेकिन इसी के साथ साथ आखिरी नोट में ये भी कहा गया कि रोहित शेट्टी आने वाले स्कॉप के यूनिवर्स में कहीं ना कहीं चुलबुल पांडे के यानी कि सलमान खान के कैरेक्टर को जल्द से जल्द फीचर कर सिंघम और चुलबुल पांडे को एक साथ ऑन स्क्रीन दिखाने की कसम खाकर बैठ चुके हैं, जिसके लिए आप थोड़ा नहीं बल्कि अच्छा खासा सा हम लोगों को वेट करना है। और इसके अलावा सिंघम की बात हो रही है तो इसके सेंसर बोर्ड से एक और छोटी सी डिटेल इस फिल्म के रन टाइम से भी रिलेटेड निकल कर आई है, जो कि ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की है। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि इस पर सेंसर बोर्ड अपनी कितनी कैची चला करके फिल्म को इस लेंथ के हिसाब से भी रखता है या नहीं। जिन सब पर अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा कि इस काफी बड़ी सैड न्यूज से आपके लिए फिल्म के देखने का मजा थोड़ा बहुत कम हुआ है या फिर पहले जैसा ही है। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय।